पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा है और 11 जिला अध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने गाज गिराई है। 11 सपा जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है। नामांकन ना करा पाने की वजह से कार्रवाई हुई है और इन 11 जिलों में वो जिले शामिल हैं जहां पर आज सपा प्रत्याशी नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाए। नंबर होने के बावजूद सपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं कर पाए और सीधे सीधे 15 ऐसे जिले रहे जहां पर दूसरी पार्टी का नामांकन ना होने की वजह से भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया और कुल मिलाकर 26 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। 75 में से 26 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव ने दंड दिया है, अखिलेश यादव ने सजा दी है, गुस्सा उनका फूट पड़ा है और उन्होंने 11 सपा जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। क्विक एक्शन अखिलेश यादव ने यहां पर लिया है। हालांकि एक ट्वीट भी उन्होंने किया था, एक वीडियो ट्वीट की थी, आरोप लगाया था उन्होंने भाजपा पर कि सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रहा है सत्ता का और प्रशासन के साथ मिलकर यह जीत का हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन उसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के अंदर भी झांका और दुरुस्त की उन कमियों को और 11 सपा जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है। देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन था, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जब 3 जुलाई को वोटिंग होगी, जब 3 जुलाई को चुनाव होगा उस दिन ऐसा घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन आज ही ये घमासान देखने को मिला है, आज ये सियासी उठापटक देखने को मिली है और अभी तक का जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम रहा है उसे देखकर तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल इस सियासी उठापटक में भाजपा जो है वो जरूर अव्वल रही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका एबीपी गंगा पर। जिस तरीके का ये चुनाव रहा है, जिस तरीके से आज का दिन रहा है, सबसे पहले आपका एक रिएक्शन में चाहूंगी क्योंकि 15 ऐसे सीधे सीधे जिले हैं जहां पर आपके प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रखा है, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, लगातार जब से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य ज्यादा से ज्यादा जीते हैं और हर जिले में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब उसके जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जीत पाएंगे तो सत्ता का मनी मशल्स जो पावर होता है उसका दुरुपयोग किया। किस तरह से उन्होंने तांडव किया, समाजवादी पार्टी के सदस्यों को घर को बुलडोजर से गिराना, समाजवादी पार्टी के सदस्यों को जाके जंगल में छोड़ देना, होटल में बंद कर देना और जिस तरह से डराया धमकाया गया है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है और जिम्मेदारी जनता सब देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी जिताने का मन बना लिया है क्योंकि जिला पंचायत सदस्य तो जनता ने जिताए थे और जब जनता ने जिला पंचायत सदस्य जिताए थे तो ये जिम्मेदारी होती थी कि जिला पंचायत सदस्यों को जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सदस्यों की संख्या कम है, उनके पास सदस्य है नहीं, उन्हें अध्यक्ष बनाने हैं, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन कोई बात नहीं, आप सत्ता का दुरुपयोग तो कर सकते हैं लेकिन ये बताइए कब तक सत्ता का दुरुपयोग कर लेंगे आप, कितने दिन तक कर लेंगे आप सत्ता का दुरुपयोग? अभी 2022 में तो चुनाव होगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आपको जनता फिर चुनेगी, फिर समाजवादी पार्टी को चुन लेगी, तब क्या करेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही रवैया अपना चाहती है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात हो चाहिए। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी ने दुरुपयोग किया है प्रशासनिक अमले का, ये आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। सिर्फ दुरुपयोग ही नहीं है, तांडव बोलते हैं तांडव, जिस तरह से उन्होंने डीएमएसपी को जो कहते हैं ना वसूली के लिए लगा दिया, उनको लगा दिया कि भाई आपको ही हमने सुपारी दे दी है। चलिए ठीक है अनुराग जी, मैं आपकी बातों को मान रही हूँ। तांडव किया है और पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन फिर जो 11 जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये क्यों की गई है? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा से डिसिप्लिन में विश्वास रखती है, समाजवादी पार्टी को हमेशा से संगठन पे विश्वास रहा है क्योंकि पार्टी संगठन के हिसाब से चलती है और उसमें से जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा पाते हैं, या देखिए ये उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये तानाशाही रवैया तो अपना ही रही है ना, हर किसी को डराना धमकाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डराने और धमकाने से समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। अगर वो गलत में भी भारतीय जनता पार्टी पड़ी है तो समझ ले कि समाजवादी पार्टी तुम्हारे डराने धमकाने से नहीं डरेगी, 2022 में आपको उखाड़ फेंकेगी और ये जनता उखाड़ फेंकेगी क्योंकि जनता देख रही है कि यहाँ पे लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हुई है।
इसी को लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, जो इतने दिन से हम आपसे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से यहाँ पे जब से अयोध्या हारे, काशी हारे, मथुरा हारे और संगम हारे, लखनऊ हारे, तब से मैंने बनारस हारे, तब से इनको लग रहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर में वापस अपनी छवि को सुधारना है, माहौल बनाना है, थोड़ा मीडिया अनुराग जी देखिए डिसिप्लिन समाजवादी पार्टी फॉलो करती है, तो क्या ये मान रहे हैं आपके जो आपके वो 11 जिला अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, वो ठीक से काम नहीं कर पाए जमीनी स्तर पर और फेल्योर रहा कहीं ना कहीं? देखिए वो पार्टी अपने हिसाब से डिसिप्लिन एक्शन लेती है, उसमें वो डिबेट का विषय नहीं है। डिबेट का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएमएसपी जिस तरह से उसने मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ तांडव अपना है, देखा नहीं बुलडोजर लिए पहुंच जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने बात नहीं मानी उसको कैसे पकड़ के किडनैप करके ले जा रहे थे, वीडियो आपने देखा हो कैसे खींच खींच के ले जा रहे, कैसे होटल में बंद कर दे रहे, कैसे जंगल में छोड़ दे रहे, कैसे उनके घरों पर बुलडोजर चला दे रहे, इसके मतलब अभी तक कुछ नहीं था, जैसी जिला पंचायत सदस्य जीते उन्होंने अपनी तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दिया। तो ये तो अंग्रेजों जैसा राज हो गया ना, अंग्रेज भी तो ऐसे ही करते थे ना कि भाई जो उनकी बात नहीं मानेगा उनका सर कलम हो जाएगा, तो सरकार ने तो वही कह रहा है जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको हम निस्त नाबूद कर देंगे, उसके हम सरकारी कार्रवाई कर देंगे, उसके सरकारी बुलडोजर चला देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाही रवैया अपना रखा उत्तर प्रदेश के अंदर में, 2022 में जनता देख रही है, सब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि आने वाले 2022 में जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि हम लोग संविधान पे विश्वास करने और जनता पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है तभी तो परेशान है। अगर जनता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होती तो इतने परेशान क्यों होते? ये परेशान इस बात से है कि इनको माहौल बनाना है, लेकिन आप इस तरह से मनी मशल पावर का इस्तेमाल करके आप सोच रहे हो उत्तर प्रदेश में माहौल बना लोगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता। अनुराग जी, अनुराग जी देखिए उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि जहां पर आपके नंबर्स थे, जहां पर आपके सदस्य थे, वहां पर ऐसा क्या, ऐसी क्या कमी हो गई, नामांकन तक दाखिल नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए आपके प्रत्याशी? अरे तो कहां से पहुंचने देंगे जब डीएमएसपी यहां पे सुपारी लेके और उन्हीं जिलों के जिला अध्यक्षों को आप हटा रहे हैं? उत्तर प्रदेश का तंत्र, जब उत्तर प्रदेश का तंत्र लग जाएगा तांडव करने के लिए, तांडव रवैया अपनाएगा उत्तर प्रदेश का तंत्र, तो आप किस तरह से होगा? बताइए, जिला पंचायत सदस्य को आपने जीना मुश्किल कर दिया, जब से वो जीते हैं उनके ऊपर आपने कार्रवाई से कार्रवाई शुरू कर दी, एक तरफ तो आप अपने यहाँ पे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हटा रहे हो, समाजवादी पार्टी को मुकदमे लाते जा रहे हो, इसी को तो कह रहे हो ना तानाशाही चल रही है, एक तरफ तो आप मुकदमे हटा रहे हो धनाधन धनाधन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे कार्यकर्ताओं पे आप मुकदमे लाद रहे हो, तो ये सरकार का दोहरा रवैया कैसा है ये मैं जानना चाहता हूँ। जनता ने इनको नकार दिया है तो ये सोच रहे हैं कि आघोषित इमरजेंसी इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में लगा रखी है, आघोषित इमरजेंसी है ये उत्तर प्रदेश के अंदर में कि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी है, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ तो हमारे पीछे भी पड़े रहते हैं और नहीं हमारे पीछे पड़ते तो हमारे घर वालों के पीछे पड़ जाते हैं, हमारा तो चलो कुछ बिगाड़ नहीं सकते ये, ठीक है? यानी आपके ने डर का माहौल क्रिएट कर दिया। अनुराग जी, मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई सवाल आपसे करना चाहे, अनुभव अनुराग जी हमारे साथ हैं, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अनुभव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, सवाल तो वो जरूर पूछ रहे हैं, अनुराग जी कनेक्ट उनसे होंगे और वो आपसे सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन देखिए सवाल ये है कि अगर वो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, शिकायत आपने कर दी है, आपने पूरी तरीके से आपत्ति जताई, अब अगला स्टैंड समाजवादी पार्टी का क्या होगा ताकि आने वाले इलेक्शन में ऐसा ना हो? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान पे और लोकतंत्र पे विश्वास रखती है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है, राज्य चुनाव आयोग को शिकायत की है, अब राज्य चुनाव आयोग के हम देखेंगे इसमें जो उत्तर प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग है इस पे क्या कार्रवाई करता है, लेकिन करना चाहिए, मुझे लगता है इस देश के अंदर में हर व्यक्ति को संविधान पे यकीन है और संविधान अपनी और संविधान पे जब तक इस देश को यकीन है तब तक ये देश है, तो ये हमें पूरा विश्वास है कि इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कार्रवाई होगी और करना भी चाहिए, और मुझे लगता है अधिकारियों पे कार्रवाई करना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में जहाँ जिले में कप्तान और यहाँ पे जो कलेक्टर लगाए जाते हैं जनता की मदद के लिए, जनता की सेवा के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए उनको सेवक कहा जाता है, वो जनता की ना सेवा करके वो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है सत्ताधारी पार्टी है उसकी सेवा में लगे हैं, अगर ये जो हमारा सरकारी तंत्र है जब ये सत्ता की सेवा में लग जाएगा, जनता की सेवा छोड़ देगा, तब तो कोरोना के में जो हाल हुआ आपने देखा, ये किस तरह से ऑक्सीजन से तरफ तरफ बिना ऑक्सीजन के लोगों की तरफ तरफ की मौतें हुई, कैसे आपने देखा नदियों में लाशें तैरते नजर आई, कैसे लाशों को या जानवर नोचते नजर आए, कैसे यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, शराब माफियाओं का यहाँ धंधा फल फूल रहा है, भू माफिया फल फूल रहे हैं,
महिलाओं पर अत्याचार फल फूल रहा है। अनुराग जी, अनुराग जी देखिए, आप तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आरोप उन लोगों की तरफ से भी लग रहे हैं। सत्ता पक्ष का तो ये कहना है कि आप बौखला रहे हैं, ये हार की बौखलाहट है, ये खीज है, इसी वजह से उन पर आरोप लगा रहे हैं, इसी वजह से आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और 11 अपने लोगों को हटा भी रहे हैं। देखिए आपने देखी, आप तो जानते हैं जब जिला पंचायत का सदस्यों का चुनाव हुआ था तो आपके टीवी नहीं दिखाया था जी। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के जीते, बिल्कुल जीते हमारे सबसे ज्यादा, तो हमारे भी अध्यक्ष तो हमारे ही बनने चाहिए थे ना। अब सीधा सा फॉर्मूला, जब मेरे सदस्य जीते तो अध्यक्ष हमारा बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से टीवी में भी यही कहती रहती थी। नहीं नहीं, देखिए उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। फोन लाइन पर कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए, सतीश महाना, बहुत स्वागत है सतीश जी आपका एबीपी गंगा पर। देखिए सर, अनुराग जी हमारे साथ हैं और वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया प्रशासनिक अमले का। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, पहले से आदमी ने रोना शुरू कर दिया। इशू ये है कि परेशान है, आज तो सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है तो गलत का इस्तेमाल कहां से करते हैं, किसी को नॉमिनेशन के लिए रोका है क्या? अब इन्हीं के पास जब संख्या नहीं है, ये अपने पार्टी के लोगों को निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो जिम्मेवारी उन्हीं के लोगों की तय कर रहे हैं ना। हमारे से इस बात का क्या मतलब है? अभी तो नॉमिनेशन हुआ, अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। जब आदमी को पहले पता है कि पहले ही हार रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दो। इलेक्शन हो जाते हैं, वोटिंग पड़ जाती है, तब इस प्रकार की कोई बात होती तो कहते। इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है, इनको जनता ने नकार दिया है। अब प्रदेश में इनकी राजनीति समाप्त हो रही है, अपने लिए जो मर्जी कहते हैं उसको फर्क नहीं पड़ता। सतीश जी कह रहे हैं कि आपने नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया, आपने दबाव बनाया, आपने डराया प्रत्याशियों को और नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने दिया। देखिए अब ये लोकतंत्र है, कौन किसी को डरा रहा है? देखिए अब हर चीज मीडिया के सामने है, हर चीज बड़ी पारदर्शी है। वो जमाना गया जिस समय समाजवादी पार्टी के लोग यही कृत्य किया करते थे, इनका चरित्र में ये था, लोगों को धमकाते थे, डराते थे, उठा लेते थे। लेकिन ना ये डरा लेता, ना कोई डरता है, ना कोई डराता है। अब इनको जनता ने नकार दिया तो फिर अब उसमें कुछ बाकी बचता नहीं इनके लिए। अनुराग जी मेरे साथ बने हुए हैं, अनुराग जी आप सुन रहे हैं, देखिए उल्टा आरोप लग रहा है, वही चीज कही जा रही है कि चूंकि आप हार रहे हैं इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता से दूर हट गए, इनको पता ही नहीं है कि कैसे चुनाव होता है। धक्के में शायद चुनाव जीत के आए, इनको पता नहीं जनता चुनती है। जिला पंचायत जो अध्यक्ष चुना जाता है वो सदस्य चुनते हैं। जनता ने आपको नकारा था कि आप हारे थे, कम से कम पढ़ लिख के आए करो, कैसे आपको मंत्री बना दिया, किस बात के मंत्री है? आपको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र जनता चुनती है? फर्जी मंत्री है क्या आप? आपको ये नहीं पता है जनता नहीं चुन रही है यहाँ, या सदस्य चुन रहे हैं, या नियम से चुन रहा है? ना इनकी भाषा अच्छी हो सकती है, ना इनका विचार अच्छा हो सकता है, इनको ये नहीं मालूम। इनको एक मिनट, मेरा निवेदन सुन रही है। देखिए गंदी भाषा का प्रयोग आपके स्वभाव में है, आपकी प्रवृत्ति में है। आप गंदी भाषा का प्रयोग आपके स्वभाव में इनबिल्ट है। हम लोग उस भाषा का प्रयोग नहीं करते। मैं पिछले 30 साल से जनता से मिलो तो पता चलेगा जनता क्या कह रही है। जनता से कोई सरोकार है आपका? किसी भी जनता से कोई मुलाकात है आपकी? जनता से मुलाकात तो है नहीं, इसलिए आप जनता का मतलब नहीं समझते। आपको तो आपके तो डीएम ही नहीं पूछते होंगे, आपको तो एसपी नहीं पूछते होंगे, आपके विधायक को पूछता कौन है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, मंत्री, उनको उनके अधिकारी नहीं पूछते? रोते रहते हैं कि हमारे अधिकारी नहीं पूछते, तभी तो 200 आपके विधायक धरने पे बैठे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ, कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले आप जनता का काम करना सीखिए, उसके बाद आप जानिए कि जनता का काम क्या होता है और जनता का मतलब क्या होता है। एक बार जवाब ले लें, हो जाए तो जरा मेरे, बिल्कुल सतीश महाना जी कह रहे हैं कि जनता पूरा हो जाए तो सुन लीजिए जी, बात पूरी हो गई है, जवाब दीजिए सतीश जी। देखिए ये जनता के बारे में बताएंगे, मैं पिछले 30 साल से जनता के बीच में हूँ, विधानसभा में लगातार सदस्य हूँ, ठीक है। और जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनके नेता मेरे भाषण सुना करते थे। ये मुझे जनता के बारे में बताएंगे, पहली बात ये है, जो लोग जनता को जिसने नकार दिया और इस प्रकार की भाषा जो गंदी हो सकती है वो इनके स्वभाव में इनबिल्ट है। मैं उसी गंदी भाषा में इनको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इनको जनता ने नकार दिया है, ये सच है और यही सच है। और आगे भी इनका कोई भविष्य नहीं है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का इतिश्री समाप्ति होने वाली है। अनुराग जी देखिए इनकी भाषा से मैं घमंड देखिए, इनके नेता भी मेरा भाषण सुना करते थे, मैंने इतना घमंड आपको, फिर जनता के सामने क्यों जाते हो हाथ जोड़ के मुझे जिताओ मुझे जिताओ? इतने बड़े नेता बन गए तो फिर जनता के सामने क्यों जाते हो? फिर तो आप नॉमिनेशन क्या करो, इनको घर में बैठ जाकर जनता आपको जिता देगी। इनको इनको लोकतंत्र का मतलब हम भैया एक बात इतना सुनिए, मेरी बात नहीं है, जनता का मतलब समझिए, जनता का मतलब समझिए कम से कम। आप विधानसभा, मैंने बोला कि यहाँ जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं अध्यक्ष को,
जनता नहीं चुनती है, जनता ने सदस्यों को चुन लिया और चुन के जिताया तो समाजवादी पार्टी के जाता, ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता पसंद कर रही है कि आपकी पार्टी को पसंद कर रही है। सतीश जी सवाल ये कर रहे हैं अनुराग जी, सवाल उनका ये है कि नॉमिनेशन नहीं फाइल हुआ, आरोप सीधे सीधे सत्ता पक्ष पर है कि आप लोगों ने नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया, दुरुपयोग किया है सत्ता। एक पुरानी कहावत है किसानी बिल्ली खम्बा नोचे। दूसरी बात ये अनुराग जी कह रहे हैं कि जनता के सामने हाथ जोड़ के जाते हैं, हाँ निश्चित रूप से हम जनता के सामने हाथ जोड़ के जाते हैं, ये बंदूक पर गुंडागर्दी करके जाते हैं। मैं जनता के सामने हाथ जोड़कर ही जाता हूँ, हमेशा हाथ जोड़ के जाता हूँ, अभी भी हाथ जोड़ के जाता हूँ, आगे भी हाथ जोड़ के जाऊंगा, लेकिन इन्होंने हाथ जोड़ के इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया ना, जनता के सामने हाथ जोड़ के जाते हैं, हाँ निश्चित जनता के लोकतंत्र में जनता के सामने हाथ जोड़ के सब लोग जाते हैं, ये बंदूक और गुंडागर्दी के आधार के ऊपर जाते हैं, इसलिए ये बात मुझे बता रहे हैं। अनुराग जी, अनुराग जी देखिए देखिए भाषा को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, यहाँ पर हाथ जोड़ने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो पंचायत चुनाव में जो हुआ है इस पर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह का पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही मशीनरी का दुरुपयोग, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, मंत्री जी हैं बोलेंगे नहीं क्योंकि इनको अभी कल से कैबिनेट में निकाल देंगे भाई योगी जी, तो इनको भी तो डर है, आत्मा तो इनकी भी जानती है क्या अन्याय हो रहा है, आत्मा तो ये भी जानते हैं कि इनकी कोई सुनता नहीं है, ये भी जानते हैं कोई अधिकारी प्रमुख सचिव सचिव डीएम एसपी और या कलेक्टर और इनके जो छोटे अधिकारी वो भी इनकी बात नहीं सुनते होंगे, ये भी दुखी है, ये भी किसी का मदद नहीं कर पाते होंगे, लेकिन चूंकि मजबूरी है टीवी के सामने बोलना इसलिए अपने दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं, बाद में जब आप फोन काटेंगे तो यही बोलेंगे क्या मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है, सरकार की तारीफ करना पड़ता है, लेकिन सरकार क्या करे हमारी नहीं सुनती। देखिए आपकी आत्मा की आवाज आप तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन अनुराग जी के पास तो बेहतर तरीके से पहुंच रही है। मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं यहाँ पर अनुभव शुक्ला, वो शायद कोई सवाल करना चाहेंगे। अनुभव देखिए हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद हैं, सतीश महाना जी और अनुराग भदौरिया जी भी मौजूद हैं, आपका कोई सवाल? अनुराग भदौरिया आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के दबाव में बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो समाजवादी पार्टी के समय 2015 में क्या हुआ, और बीजेपी कह रही है कि हमने तो उनसे सीखा है। 2015 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी 62 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने, तब भी देखिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये सत्ता पक्ष का ही चुनाव कहा जाता है, और इसीलिए चाहे बसपा की सरकार रही हो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो हर जगह पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर ही इसका झुकाव रहता है। अब अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हमारे लोगों को जाने नहीं दिया, हमारे लोगों को नामांकन नहीं दाखिल करने दिया, अनुराग जी फिर 11 जिला अध्यक्षों को क्यों निकाल दिया, 75 जिले हैं बाकियों को क्यों नहीं निकाला, अगर आपके सारे जिला अध्यक्षों ने काम किया तो कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए थी, यानी कि बाकी के 64 जिला अध्यक्षों ने मेहनत की है, प्रशासन के दबाव के आगे नहीं झुके हैं, अपने उम्मीदवार का उन्होंने पर्चा भराया है और 11 ने उसमें सफलता नहीं पाई, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में थे, यही बात तो आप लेके गए राज्य निर्वाचन आयोग, आज आपने यही शिकायत की है, तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई आपने अपने लोगों पे भी तो की है, उसके पीछे क्या वजह है ये आपको बताना चाहिए। देखिए अगर अगर भारतीय जनता पार्टी को मंत्री जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं, वो अगर समाजवादी पार्टी का काम सीखना ही है भारतीय जनता पार्टी को तो सीखना चाहिए था कैसे मेट्रो बनाई जाती है, कैसे एक्सप्रेस वे बनता है, कैसे यहाँ विद्या कन्या धनराज दी जाती है, कैसे यहाँ हमने जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाया, जिस तरह से हमने 1090 बनाया, 100 डायल बनाया, समाजवादी पेंशन दी, हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, हर डिस्ट्रिक्ट को कोल लाइन से जोड़ा, किस तरह से हमने स्टेडियम बनाए यहाँ पे, तो उनको ये सीखना चाहिए था हम लोगों से, तो हम ये क्या गलत जगह से सीख के आए, मुझे लगता है कहीं दूसरी जगह से सीख के आए, समाजवादी से सीखते तो कम से कम संस्कार सीखते, समाजवादी से सीखते तो कम से कम लोकतंत्र के मायने सीखते और संविधान का मायने सीखते, यहाँ पे समाजवादी अगर समाजवादी संस्कार को सीखा होता भारतीय जनता पार्टी ने तो आज वो प्रशासन का दुरुपयोग नहीं कर रही थी। ठीक है अनुराग, गलत चीज सीख ली, लेकिन जो मेरा सवाल था और जो मेरे सहयोगी का सवाल था वो यही था कि 12 जिला अध्यक्षों पर गाज क्यों गिरी? मेरी बात अभी समझ में नहीं, मैंने आपको क्या बोला, आपको हमारी जितनी चिंता है हमारे संगठन की आप चिंता मत करो, चिंता नहीं, आप बात को घुमाइए नहीं, अनुराग जी बात को घुमाइए नहीं, आप बात को घुमाइए नहीं, आप बात को मत घुमाइए, आप ये बताइए 11 जिला अध्यक्षों को क्यों हटाया, और अगर 11 ने मेहनत की तो बाकी 64 को क्यों नहीं हटाया, अगर आप ये मान रहे हैं। अरे यार
इतनी हिम्मत जुटाओ सरकार से सवाल पूछने में जितनी हमसे जुटाते हो, डरते हो क्या सरकार से? अनुराग जी, अनुराग जी देखिए, अनुराग जी अपने सवाल मत आइए, अनुराग जी देखिए, आपसे सवाल पूछे विपक्ष से भी, सवाल अनुराग जी सवाल पूछे, आप आरोप नहीं लगा सकते, आप आरोप नहीं लगा सकते, एबीपी गंगा सबसे सवाल पूछता है, क्या सरकार का आदमी हो, क्या विपक्ष का व्यक्ति हो, हमारा काम है सवाल पूछना, इसीलिए हम खबर आपकी भी दिखाते हैं किस तरीके से। अनुराग जी देखिए, यहाँ अनुराग जी देखिए, आप पत्रकार और आपके बीच में डिबेट नहीं हो रहा है, अनुराग जी समझिए, अनुराग जी समझिए, यहाँ पर डिबेट हमारे और आपके बीच में नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया, अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया अनुराग जी, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए अच्छा कमाल की बात है, सवाल हम बीजेपी से, हम सवाल जवाब करने आए, यहाँ दो दो एंकर दो दो पत्रकार हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। अरे भैया बीजेपी से पूछो, सत्ता पक्ष से, आप बीजेपी आपकी पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं कि आपने, अरे आप मैं क्या पूछ रहा हूं, सवाल आपसे है कि आपने 11 जिलाध्यक्षों को क्यों हटा दिया, आपने 11 जिलाध्यक्षों को क्यों हटा दिया, अभी तो आपने कंप्लेन की थी, कंप्लेन करने के 10 मिनट के बाद आपने 11 अपने लोगों पे कार्रवाई की थी। अरे राज्य निर्वाचन आयोग गए थे, कुछ इंतजार करते, कुछ वेट करते, हो सकता है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई फैसला आया, आज से पहले ही आपके लोगों ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने 11 लोगों पे अपने फैसला सुना दिया, तो क्या जैसे आपके पार्टी के नेताओं ने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, उनको उनको जानकारी दी थी कि ऐसा कुछ है? अनुराग जी देखिए ग्राउंड पर रहते हैं, अनुराग जी ग्राउंड पर रहते हैं, अनुराग जी ग्राउंड पर रहते हैं तो उन्हें डिटेल में पता है, इसीलिए वो सवाल आपसे कर रहे हैं। खैर चलिए मैं छोटा कर देती हूँ, मैं छोटा कर देती हूँ। अरे मैंने सुन लिया, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, तो जवाब दे दीजिए अनुराग जी। हाँ मुझे भी नहीं बोलने दे रहे, एक जने वहाँ से लिए माइक चिल्ला रहे, एक जने आप चिल्ला रही है, अनुराग जी चूंकि आपने गलत बात कही इसलिए आपको जवाब दिया। अब आप बोलिए, बता दीजिए, अब आप बोलिए अनुराग जी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे कलेक्टर और SSP और यहाँ के जो तंत्र है, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के सदस्यों को यहाँ पे उनपे कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर उनके घरों पे चला रहे हैं, उनको होटलों में बंद कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी बात हो रही है कि जिस तरह से मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में एक कहते हैं कि इमरजेंसी का माहौल बना दिया है, इसके बारे में सवाल पूछिए। जब इमरजेंसी आपके भी एक पत्रकार की हत्या हुई थी जिसको एक्सीडेंट बताया गया था, तब कहां थे? तब आपने सवाल पूछा सरकार से? तब सवाल पूछे, हमें जब जिससे जैसा सवाल पूछना है पूछेंगे, हम पूछेंगे अनुराग जी। आप केवल इसे बोला कि उत्तर प्रदेश, आपसे अगर आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछ लिया तो आप जवाब दे दीजिए ना सर, केवल ये आप जवाब दे दीजिए, सीधा सा सवाल है। चलिए ठीक है सर,